मऊ के भी मार्ग को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। जी हां, आप विजुअल में देख रहे हैं, एक कर्मचारी सील लगा रहा है और सामने यह बिल्डिंग दिख रही है भी मार्ग की। यह मऊ के प्रमुख बाजारों में से एक है और इसको जिला प्रशासन ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि फायर ऑन एसी नहीं होने के चलते यह सील किया गया। जिला प्रशासन फायर एनओसी के लिए महीनों से भी मार्ट को नोटिस दे रहा था, इसके बावजूद भी मार्ट के जो हैं मैनेजर एनओसी लेने में लापरवाही किए, या तो कहें लेने ही नहीं गए। इसी के चलते फायर ब्रिगेड और सिटी मजिस्ट्रेट की टीम मौके पर पहुंची और भी मार्ट को सील कर दिया। भी मार्ट को सील होने के बाद यहां पर हलचल मची रही और मऊ का एक प्रमुख बाजार बंद हो गया। देखिए किस तरह से अधिकारी के सामने भी मार्ट के कर्मचारी अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। इस बाबत क्या बोले सिटी मजिस्ट्रेट, आप खुद सुनिए। किस तरह की कार्रवाई की गई है बॉस? देखिए, हमारे और जीएफओ साहब के द्वारा यहाँ पर पिछले 5 दिन पहले किया गया। एनओसी की रिपोर्ट मांगी, जैसे एक महीना पहले भी लगभग मैं स्वयं आया था और मैंने ये कहा था यहाँ कर ले आऊँ, और फायर एनओसी के लिए कभी नहीं दिखाया गया था। आज हम लोग फिर आए हैं, अभी भी फायर से संबंधित काफ़ी कुछ कमियाँ जीरो साहब के साथ में करें। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन पिछली बार भी विजिट के समय दिए थे, वो भी पूरा नहीं हो पाया था। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि फायर की निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो ना होने के कारण कई दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। उसके प्रति हमारे समस्त प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जागरूक और सख्त निर्देश है कि सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्रवाई अपने सर्जन का संचालन किया जाए। इसलिए जब तक फायर की एनओसी नहीं प्राप्त हो जाती तब तक इसको बंद किया जाएगा। कितने ऐसे व्यावसायिक स्थल हैं जो कि आप लोगों के सरकारी आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सर्वे किया जा रहा है, तो चीज़ को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको पूरा हो जा रहा है। यदि नहीं पूरा होगा तो सभी कठोर कार्रवाइयाँ जरूर की जाएंगी। हम सबका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मानकों के अनुसार ही किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन किया जाए। सर, इसको सील किया जा रहा है? इसको वर्तमान में सील किया जा रहा है जब तक कि फायर की मुसीबत प्राप्त नहीं।